ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। उसका लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है इसका? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। और प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता का मतलब होता है चांस। क्या मतलब होता है इसका? चांस या पॉसिबिलिटीज। किसी काम को करने की, किसी इवेंट को करने की जो पॉसिबिलिटीज होती है, चांसेस होते हैं, वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें मैं कुछ आपको एक बेसिकली इसका आइडिया दूंगा, चांस होते हैं, और इसमें कैसे कैसे पढ़ते हैं हम चीज़ों को। आज ये बेसिकली सिंपल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप इसमें अगर अच्छे से बताओ, अच्छे से मतलब फीडबैक होगा, आप लिख देना मुझे कि हाँ ठीक है, लगातार वीडियो बनाइए, तो मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑन प्रोबेबिलिटी क्लास, ये क्लास 10th 11th 12th बेसिकली स्टार्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इट मीन्स पॉसिबिलिटीज, तो इसमें चांस ऑफ एनीथिंग इवेंट, देखो चांस होते हैं किसी भी चीज के, जो पॉसिबिलिटीज है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायिकता बोलते हैं। इवेंट क्या होती है? इवेंट। इसमें एक इस चीज तुम बार बार पढ़ोगे, इवेंट क्या होती है? तो एनीथिंग दैट हैपेंड दैट इज इवेंट। कुछ भी होता है, कुछ भी चीज हो रही है, वो इवेंट है। खाना खा रहा है कोई, पानी पी रहा है, नाच रहा, गा रहा, सो रहा, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो वो इवेंट है। एक शादी हो रही, शादी होना और कहीं जाना इवेंट नहीं है। कुछ भी चीज कर रहा हूँ, जिससे मैं काम कर रहा हूँ, इवेंट चल रही है मेरी। ठीक है, एक वर्क चल रहा है, तो ये इवेंट है। इवेंट कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल रहेगी। जैसे आपने क्या करा, जैसे आपने एक कॉइन उछाला, कॉइन, और कॉइन पे क्या होते हैं? कॉइन के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टैल होता है। जब कॉइन उछलेगा, या तो हेड आएगा, कन्फर्म है, या फिर टैल आएगा, ये भी कन्फर्म है। कुछ भी आ सकता है, 50-50% इनकी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये क्या पॉसिबल इवेंट है, जहाँ पे कुछ चीज़ें घट रही हैं, हो रही हैं, तो वो पॉसिबल इवेंट है कि पॉसिबल हो रहा है। और इम्पॉसिबल क्या होती है? इम्पॉसिबल वो होता है कि आप उछाल रहे हो कॉइन, कॉइन और कॉइन में क्या आता है? हेड टेल। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो किसकी? कि 6 आए 6 आए, तो वो तो डाइस में आता है। डाइस मतलब 500 जो होता है, लूडो, लूडो वाला। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप, कि अगर तुम कॉइन को उछाल लो, कॉइन को अगर आपने टॉसअप किया है, तो कॉइन पर क्या आएंगे? टैल और हेड आएंगे, पॉसिबल है कंप्लीटली। और अगर तुम उछाल रहे हो क्या कॉइन और बात कर रहे हो 6 5 आए या 4 आए, तो ये इस पर नहीं आएंगे, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, सर्टेन इवेंट क्या होती है? सर्टेन, जो डेफिनेटली हैपन होती होती है। जैसे मान लो कोई कोई एक गेम है, क्रिकेट गेम है, तो उसमें कोई ना कोई जीतेगा। ठीक है ना, जीतेगा। हाँ, वो ड्रॉ की बात बहुत कर बहुत मतलब कम चांसेस होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई जीतेगा। रेस है, तो रेस में कोई ना कोई जीतेगा, तो चांसेस होते हैं कि उसमें जीतने के। ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 0 से कम मतलब निगेटिव की नहीं हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब निगेटिव में नहीं हो सकती है, क्योंकि चांस जो होते हैं वो निगेटिव में नहीं होते हैं, चांस पॉजिटिव होते हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू +1 से कम नहीं हो, वो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। कभी आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1.1 मत देख लेना, ये गलत है। ठीक है, 1 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस वो होता है अ सेट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज, द इवेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। मतलब कोई भी चीज़ है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर आपके पास एक कॉइन है, क्या है? कॉइन, कॉइन उछाला आपने, तो कॉइन में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कंफर्म है नहीं? तो ये सैंपल स्पेस आ गया। किसका? सैंपल स्पेस, SS, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम कहते हैं S, खाली S बोल दो। इसमें कितने एलिमेंट आ गए? कितने एलिमेंट आ गए? एक तो हेड और एक टेल, तो यानी कि नंबर ऑफ चांसेस पॉसिबिलिटीज इन दिस, कितने इसमें? 2 हैं, तो 2 NS। तो ये हमारे पास क्या, अगर तुम हेड, अगर कोई कॉइन टॉस अप करते हो, तो उस पर हेड आएगा, टेल आएगा। ठीक है, दूसरा सैंपल स्पेस हम इसका लिख देते हैं, एक डाइस का, डाइस, तो डाइस का लिखेंगे, तो डाइस पे क्या होता है? आपको पता है कि डाइस पे, ये डाइस इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस पर डाइस पर आप क्या करोगे? इसमें एक ऊपर, एक
दो, सामने तीन, चार और एक पीछे पांच, और एक बिल्कुल फ्रंट पे छह। तो आप समझ गए मेरी बात, छह। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ गया इस बराबर? एक भी आ सकता है, अगर तुम टॉस अप करोगे दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी और छह भी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी छह हो गई। तो आप सैंपल स्पेस लिखना सीख गए होंगे, मैंने आपको कॉइन का डाइस का बताया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो एक बार और देख लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी क्लास 10th 11th 12th, इसे हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। इसका मतलब होता है चांसेस, पॉसिबिलिटीज। तो चांस ऑफ एनीथिंग, इवेंट, इवेंट क्या होती है? कोई भी घटना। इस इवेंट का मतलब क्या होती है? कोई भी घटना, घटना। एनीथिंग दैट हैपेंड दैट इज इवेंट, कुछ भी हो रहा है वो इवेंट है। इवेंट के कुछ टाइप लिखे मैंने, और भी टाइप होते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ये टाइप लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो पॉसिबल इवेंट क्या होती है? जो घटती घटती हैपन होती जरूर, ठीक है, जो अकर होती है। अकर माने होना ही होना, उसको अकर्ड होती है, अकर्ड, अकर्ड माने होना ही होना उसको। सर्टेन इवेंट ये भी होती होती है अकर्ड, ठीक है। जो इम्पॉसिबल इवेंट है ये अकर्ड, नॉट अकर्ड, नॉट अकर्ड, अकर्ड माने होना, ठीक है। और ये पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, जीरो भी हो सकती है, और जीरो का वो होगी इम्पॉसिबल इवेंट में। बात कर रहे हो तुम कॉइन की, कॉइन उछाल ले, तो कॉइन उछालने से क्या हेड टेल आएगा? तो उसमें वन टू थ्री कैसा आ जाएगा? वो तो डाइस पे आएगा ना यार। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। और ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं उनका एक पूरा सेट बना दिया आपने, सेट। तो उस सेट को बोलते हैं, सेट मीन्स ग्रुप। उस सेट को बोलते हैं हम लोग क्या? उस सेट को बोलते हैं सैम्पल स्पेस। और कॉइन को उछाले तो कॉइन में हेड या टेल, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस? कितने? दो, एक दो। और यहाँ कितने डाइस में सैंपल स्पेस में? ये आगे एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कुल कितनों के? छः। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ ग्रेट डे।